स्वागत है आप सभी का संस्कार धानी जबलपुर में। जैसे जैसे माता के दिन करीब आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरा एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ता जा रहा है। और ये एक्साइटमेंट लेवल बढ़ने के साथ साथ कहीं कहीं मुझको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अभी मेरे साथ हो रही हैं पहली बार हो रही हैं। और जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जितना आपका प्यार मुझ पर बरस रहा है, वो सारी चीज़ का बोझ मैं उठा पाऊंगा कि नहीं, ये सोच के मुझको थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन मैं आपसे अश्योर करता हूं कि मैं अपनी तरफ से कहीं भी 1% की भी कमी नहीं होने दूंगा। आप अगर मेरी वीडियोज़ देखते हैं, चाहे जबलपुर से, चाहे जबलपुर के किसी भी कोने से या बाहर से भी, तो आप पूरा इन्जॉय कर पाएंगे। बाय द वे, आज है 2 तारीख, तो मेरी ओर से मेरे सारे व्यूवर्स को गांधी जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो ये वीडियो आप एक दिन बाद देखेंगे, लेकिन ठीक है, चलता है। धूप देखिए कितनी तेज हुई है। अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 12 और मुझको अभी कुछ मार्केटिंग करने जाना है, तो मैं 10 बजे सुबह से सोच रहा हूँ कि जाना है लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। देखिए, आप लोग का सपोर्ट मुझको इतना तगड़ा मिला है ना, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस नवरात्रि में मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोज़ दूँ, ताकि आप लोग भी उन सारी वीडियोज़ का आनंद ले पाएँ। तो कुछ मार्केटिंग करने चलना है, तो चलिए मिलते हैं। चलिए चला जाए। धूप देख रहे हैं कितना तेज हुआ है यार, क्या कर सकते हैं, चलना पड़ेगा ऐसी धूप में, हमको कोई और ऑप्शन ही नहीं है। चलो भैया निकल जाओ। जय श्री राम। वैसे तो आज आपसे मुझको बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने इस चैनल पे अपना प्यार बरसाया है। क्योंकि पिछले 7 महीनों से 8 महीनों से मैं इस चैनल पे काम कर रहा था, रेगुलर काम कर रहा था, अच्छा कंटेंट दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी रिस्पांस उतना अच्छा मुझको नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी नवरात्रि लगने वाली है और जैसे ही मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया, आप सभी लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया। और अभी मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा था 7 तारीख तक भी, नवरात्रि जिस दिन बैठेंगी माता, उस दिन भी मैं सोच रहा था कि 1000 हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन आपने 30 तारीख को ही पूरा कर दिया, मतलब 7 दिन पहले ही। तो बहुत बहुत थैंक यू यार, आपका दिल से धन्यवाद। अब जैसे जैसे और भी लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ती जाएगी। आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि नवरात्रि में अच्छी अच्छी वीडियोस और लाइए, सारी चीज़ें कवर कीजिए, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरूं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी मेहनत में चिंदी सी भी कमी नहीं करूंगा। तो अभी जहां मैं जा रहा हूं, मुझको अपने कैमरे के लिए चार्जर लेना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अभी मुझको बनाना है, अपलोड करना है, और वैसे में अगर मेरे पास बैटरी बैकअप नहीं रहेगा तो मुसीबत हो जाएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने विचार मुझको कमेंट में बताया करें। इस वीडियो के नीचे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझको बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ में क्या अच्छा लगता है, कुछ भी, छोटी से छोटी बात भी अगर आपको मेरी वीडियो में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि इससे मुझको अपनी वीडियोस को ऊपर ले जाने में, लेवल अप करने में और भी ज़्यादा सहायता होगी। घंटाघर, इस नवरात्रि में ना मैं सारा चीज़ कवर करने वाला हूँ। और अच्छी बात ये है कि आप भी मुझको कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं कौन कौन सी जगहों को कवर करूं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव रहता हूं, आप मुझको वहां भी DM कर सकते हैं, आप मुझको बता सकते हैं, जगह सजेस्ट कर सकते हैं कि यहां भी जाइए, यहां की भी वीडियो कवर कीजिए, तो आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी की जाएगी। ये आ गया अपना अंजुमन इस्लामिया स्कूल। गाड़ी धूप में ही लगाना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं। के लिए चार्जर चाहिए, बैटरी दिखा दें, दिखाना ही पड़ेगा। चलिए जी, हो गया काम। एक और काम है, अब अपने को जाना है बैंक। यहाँ से पास पड़ेगा, हाँ इस तरफ से पास पड़ेगा। आज से कुछ दिन पहले मैंने वीडियो एक अपलोड किया था, एक्सिस बैंक वालों ने पता नहीं कुछ एक्सिस सिक्योरिटीज़ करके मेरा अकाउंट ओपन कर दिया है, और मुझको बोल रहे थे कि 1170 रुपये कुछ पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं गया था एक्सिस बैंक में, तो वहाँ पे एक मैम ने मुझसे कुछ डिटेल्स मेरा ली थी और बोली थी कि 2-3 दिन बाद आना, लेकिन मैं नहीं जा पाया था। तो ठीक है, अब आया हूँ तो अब जाके देखता हूँ, पूछता हूँ, क्योंकि मैंने तो कोई अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया नहीं था। अब पता नहीं कहाँ से ओपन हो गया है और वो लोग बोल रहे हैं कि आपका 1000 रुपीज़ ड्यू है, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने को पता करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1000 है, कहीं और बढ़ ना जाए, उससे पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो सही है।
इस नवरात्रि में आपको ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा ना कि जो वीडियो आप कहीं नहीं देखे होंगे। जबलपुर तो छोड़िए, आप कलकत्ता से या कहीं से भी, इंडिया के किसी कोने से भी अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे ना तो पूरा आनंद ले पाएंगे। बदले में मैं आपसे अगर एक रिक्वेस्ट करूं तो क्या आप बदले में मुझको 10,000 सब्सक्राइबर्स दे सकते हैं? देखता हूं, मेरा ये मानना है कि नवरात्रि खत्म होते होते इस चैनल पे हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। और आज है सैटरडे, तो टोटली बंद है ये बैंक। तो चलिए कोई बात नहीं, सैटरडे को बंद ही रहता है, हाफ डे भी नहीं है। कई मुझको कमेंट्स आते हैं कि आप जबलपुर में नए नए आए हैं क्या? तो मैं नया नहीं हूँ यार, अभी तक मेरी जितनी एज हुई है मतलब मैं सेकेंड क्लास से हूँ जबलपुर में। लेकिन पूरा जबलपुर, पूरा क्या, थोड़ा जबलपुर में मैं नहीं घूमा हूँ आज तक। मैं जबलपुर की नवरात्रि ही नहीं घूमा हूँ, मतलब ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। और मैं ये पूरी बात ओपन कैमरा कह रहा हूँ, उसमें क्या आपसे कुछ छिपाना नहीं है। तो वो सारी गलतियाँ जो मैंने अपने जीवन में किया हूँ, अब मुझको वो गलतियाँ नहीं दोहराना है यार, अपने जबलपुर में मुझको घूमना है। और जितनी भी जगह मैं घूमूंगा, सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि मैं उन सारे मोमेंट्स को कैप्चर कर पाऊंगा और सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस, आज तक मैं पायली भी नहीं गया हूँ बताओ जबलपुर में, आज तक मैं निदान फॉल भी नहीं गया हूँ, नज़ारा पॉइंट नहीं गया हूँ, कई जगह नहीं गया हूँ। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर करेंगे हम लोग। थैंक यू आपका ये प्यार दिखाने के लिए। और बस यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, वीडियोस को ना लाइक किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि ये मैं वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ। मेरा मोटिवेशन आपका लाइक, आपका कमेंट है। मिलिए अगली वीडियो में, मिलो।